रिंकी को कॉल करके बता देती हूँ कि मैं बस पहुँचने वाली हूँ। अरे भैया थोड़ा आराम से चलाइए। अरे मैडम लगता है ब्रेक फेल हो गया, ये कैसे हो गया? क्या कहा? अरे मैंने सुबह ही चेक किया था। हेलो मुकुल, काम हो गया? हाँ मैम, जैसा आपने बोला वैसा ही हमने किया, हमने कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ा। अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू समारा मैम। हेलो साहिल, कैसे हो तुम? तुम यहाँ पर अचानक कैसे आ गई हैं? ऐसे ही, मुझे कुछ यहाँ पे काम था। वैसे कल मुझसे तुम्हारी वो असिस्टेंट मिली थी, क्या नाम है उसका? तुम आलिया की बात कर रही हो क्या? हाँ वही। वैसे वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़की बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अच्छा तुम तो ऐसे जाहिर कर रही हो जैसे तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं किया था, क्यों? तुम भूलो मत कि मैंने तुमसे डाइवोर्स किया था, ना कि तुमने मुझसे। जब तुम्हें पता चला कि तुम अपनी चालाकी से मेरे पैसे नहीं ले पाई और तुम्हें ये भी पता चल गया कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, तो हाँ तुमने मुझसे डाइवोर्स ले तो लिया था। शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुमसे डाइवोर्स क्यों लिया था। असल रीजन तो ये है कि ना ही तुम एक अच्छे पति बन पाए और ना ही एक अच्छे बाप। खैर अब मैं जा रही अपनी बेटी समारा से मिलने के लिए, तुम तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो। बाय बाय डियर। ये माँ बेटी तो मुझे एक दिन पागल बना देंगे। मम्मी मेरी नौकरी लग गई। मेरा बेटा, बेटा मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे बेटा तुमने आलिया को ये बात बताई, उसको कॉल किया था तुमने? ऑफिस से निकलने से पहले मैंने उसको एक बार कॉल तो किया था, लेकिन शायद नेटवर्क खराब होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगा। मैं थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कर लूंगी। बेटा मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। अरे मम्मी आप चिंता क्यों कर रही है, वो ठीक होगी। हाँ बेटा तुम ठीक बोल रही। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, वैसे मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हेलो तारा, आज मेरा खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही डिनर करूंगी। जी मैम। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हेलो समारा डियर, कैसी हो तुम? मॉम अब यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज, लगता है बहुत ज्यादा खुश हो। हाँ वो क्या है ना कि आज मैं सिड के साथ डिनर पे जा रही हूँ। क्यों, कोई खास बात है क्या? वो क्या है ना कि सिड ने अपनी कंपनी के 10% शेयर्स मुझे दे दिए हैं, तो इसी खुशी में मैं उसे डिनर पे ले जा रही हूँ। बेचारा तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? तुम्हें पता ना कि मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तुम्हें शादी के जोड़े में देखने की। मॉम आपको पता ना कि सिड कैसा है, और वो शादी के लिए इतनी जल्दी राजी नहीं होगा, और वैसे भी मैं उसे फोर्स भी नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे बेटा मुझे तुमसे एक बात बतानी थी, आज मैं तुम्हारे डैड से मिलने उसके ऑफिस गई थी। माँ आपने क्या बोला, लेकिन डैड तो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली गए हैं ना। तुम्हें कैसे पता कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए मनाली जाने वाला था? क्या तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डैड से नफरत करती हूँ, मैं उस आदमी से कभी भी बात नहीं कर सकती, मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। समायरा तुम किस प्लानिंग की बात कर रही हो? देखो बेटा मुझे सब सच सच बताओ। वो मॉम, मम्मी मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी जॉब लग गई। पड़ोस वाली के यहाँ प्रिंटर है ना, मैं एक काम करती हूँ, मैं उनके यहाँ जाकर सीख लेती हूँ, मुझे तो प्रिंटर यूज करना भी नहीं आता है, उन्हें ये बात पता ही नहीं। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही बोला, मेरी चाय खत्म हो गई, अब मैं चलती हूँ। अरे ये किसका कॉल आ रहा है अननोन नंबर से? हेलो। हेलो मैं रिंकी से बात कर रहा हूँ ना, मैं मनाली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। एक कार की बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गई जिसमें आपकी बहन भी थी, और उस कार में जितने लोग भी थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मम्मी 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 मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। समारा तुमने अपने डैड को मारने की प्लानिंग की थी? मॉम प्लीज, आप भी डैड की मौत की खबर सुनकर खुशी होती। समारा चुप करो, तुम धीरे नहीं बोल सकती, तुम ऑफिस में हो, कोई सुन लेगा। खैर मेरी बात सुनो, आज के बाद से तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगी, और आज के बाद से तुम ये बात अपने मुंह से कभी नहीं निकालोगी, आई बात समझ में? उस एक्सीडेंट में तो वो आलिया भी मारी गई होगी। ये आलिया कौन है? वो तुम्हारी डैड की असिस्टेंट थी, वो लड़की मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, वो तुम्हारे डैड से कुछ ज्यादा ही चिपकती थी। उफ मॉम, ये आलिया मर या ना मरे मुझे उससे क्या, और वैसे भी इन छोटे मोटे लोगों के बारे में मुझे मत बताया करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं डिनर के लिए जा रही हूँ। ठीक है जाओ, तैयार हो जाओ। मम्मी ये सब कैसे हो गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैम आप दोनों जाने से पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स उस पे साइन करके जाइएगा, ठीक है? ठीक है सर, हम साइन कर देंगे। बेटा तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड इवनिंग मैम, ये पर्स और जैकेट मुझे दे दीजिए। थैंक यू मैम। ये सीट अभी तक क्यों नहीं आया? अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो मैम, एक गड़बड़ हो गई, मुझे सब पता है। मुकुल तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। सुनो आज के बाद से तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, और अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकती हूँ। आज के बाद से मुझे कॉल मत करना, रखो फोन। हेलो समारा। हाय सेठ। मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ, वो क्या है ना कि आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। कोई बात नहीं,
एक्सक्यूज मी, हम दोनों लोगों के लिए एवोकाडो सैलेड लेके आई जरा। जी मैम। तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी पसंद क्या है। सिर्फ तुम्हें क्या बात कर रहे हो, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और अब तो हम दोनों कंपनी के पार्टनर्स भी बन गए हैं। और वैसे भी मुझे तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना था। समारा, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक महीने बाद रिंकी बेटा, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? ये लो मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाया, ये लो पी लो। रिंकी बेटा, आलिया को गुजरे हुए एक महीना हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मम्मी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ। वैसे बेटा, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी, मैं कल गाँव वापस जा रही हूँ। मम्मी, आप गाँव क्यों जा रही है? आपको मेरे साथ यही रहना होगा। पापा मुझे छोड़ के चले गए और मेरी बहन भी मुझे छोड़ के चली गई, और अब आप भी जा रही हैं मुझे छोड़ के। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन बेटा, नाना नानी अकेले गांव पे तो नहीं रह सकते ना, और मैं उनको वहाँ पे अकेला भी नहीं छोड़ सकती, और वो लोग इतने बड़े शहर में रहने भी नहीं आएंगे, और वैसे भी हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम सब इतने बड़े शहर में रह भी सके। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने हर महीने जरूर आऊंगी। ठीक है मम्मी, आप जाकर पैकिंग कर लीजिए। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर देना। मुझे पक्का पता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। कल मम्मी के जाते ही मैं अपनी बहन के ऑफिस में जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर सच्चाई क्या है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मैं आती रहूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। बाय बेटा। बाय। अब मैं जाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मैम हम आ गए। हाँ भैया, यहीं पर उतार दीजिए। मैम आपके हो गए 200। ये लीजिए आपके पैसे। मैं अंदर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपनी बहन के खातिर जाना पड़ेगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसे थोड़ी ना। हाँ तुमने सही कहा, वो बहुत ही अच्छा ड्राइवर था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसके साथ ऐसा हो गया। मैं भी इतने दिन से भुला नहीं पा रहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है यार। मेरी बात सुनिए, क्या आप लोग मनाली वाले एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, आप कौन? उस एक्सीडेंट में जो लड़की मरी थी वो मेरी बहन थी। सुनकर अफसोस हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि अचानक से कार एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्योंकि मैंने सुना कि आप बोल रहे थे कि वो ड्राइवर काफी अच्छा गाड़ी चलाता था, तो ये अचानक से कैसे हो गया? हाँ मैम आपने सही बोला, उसने अपनी गाड़ी की सर्विसिंग भी कराई थी, लेकिन अचानक से ब्रेक फेल हो गया। अक्सर ऐसा होता रहता है कभी कभी, अब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, भगवान आपको हिम्मत दे। मुझे उनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। टैक्सी। अच्छा सुनो, बॉस को मीटिंग में जाना है, तो मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, तुम भी लेकर आओ। अच्छा ठीक है, तू चल, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हाँ हेलो मैम, एक लड़की आई थी काले बालों वाली, वो जो लड़की थी ना एक्सीडेंट में मरी थी, उसी की बहन। क्या तुम आलिया की बात कर रहे हो? हाँ हाँ मैम, साथ उसी की बहन आई थी। तो तुमने उससे क्या बोला? जो आपने बोला था वही। गुड, ध्यान रखना, दोबारा अगर कोई तुमसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछे तो तुम सबसे यही बोलना कि सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। ठीक है मैम। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तारा जल्द से मेरे लिए कप कॉफी लेके आओ। जी मैम, अभी लेकर आई। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? हेलो मम्मी, तो क्या आप गांव पहुंच गई? हाँ बेटा, वो तो मैं 2 घंटे पहले ही पहुंच गई थी। वैसे बेटा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें फिर से नौकरी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसे अकेले रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे उस ब्रेटर वाली जॉब का क्या हुआ, तुम वहीं फिर से क्यों नहीं जाती? मम्मी मुझे नहीं लगता कि वो एक महीने बाद भी मुझे जॉब पे रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं उनसे एक बार बात करूंगी, शायद वो समझ जाएं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, तुम्हारे नाना नानी की दवाई का टाइम हो गया, अपना ख्याल रखना बेटा, गुड नाइट। ठीक है मम्मी, गुड नाइट, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बेटा। ये यूनिकॉर्न आलिया का फेवरेट सॉफ्ट टॉय था। अरे इतनी रात को अननोन नंबर से कौन कॉल कर रहा है?
हेलो, कौन? तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बहन को किसने मारा? हाँ, ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारी बहन का कातिल कौन है तो कल शाम 5 बजे अपने बिल्डिंग के पीछे वाले पार्क में मुझसे मिलना। हाँ, ये कौन था? क्या रिंकी पता लगा पाएगी कि कौन है उसकी बहन आलिया का कातिल? हर नए एपिसोड संडे और वेडनेसडे को। एपिसोड 3 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।